हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने डीके कैरियर क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मोटिवेशन, तो आज मोटिवेशन हमारा आज का कोड है कि मेहनत कर जी जान से पड़ता है तड़पना, मेहनत कर जी जान से पड़ता है तड़पना, तभी पूरा होता है बढ़िया नौकरी का सपना, तभी पूरा होता है बढ़िया नौकरी का सपना। तो साथियों, मेहनत कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि आपने जो नौकरी अपने मन में सोच रखी है, जो भी नौकरी आपको पानी है, वो नौकरी आपको आपकी मिले। तो साथियों, हो जाइए मेहनत के लिए तैयार और लिख दीजिए अपनी नौकरी के लिए जो आपका सपना है उसको पूरा करना। तो आइए साथियों, आज हम चलते हैं अपने क्लास के आगे की ओर। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे मोटिवेशन, तो मोटिवेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन थ्योरी। तो मोटिवेशन में या अभिप्रेरणा में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं, लेकिन उन सिद्धांतों में, उन थ्योरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी हो जाती है या जो होती है, जिसमें आपके प्रश्न जिससे पूछे गए हैं, वो हो जाती है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी या अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। तो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत जो है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर वर्ष पूछने की संभावना रहती है। तो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत क्या था, उसके कितने चरण थे, उसको और किन किन नामों से जाना जाता है, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं साथियों, मोटिवेशन थ्योरी में अब्राहम मैस्लो की थ्योरी क्या थी और उसमें उन्होंने क्या बताया था। तो इस सिद्धांत का नाम है साथियों, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। तो इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, ये हम देख लेंगे। अगर परीक्षा में ये कोई भी नाम दे दिए जाएं, तो आप समझ लेना कि अब्राहम मैस्लो की ही बात हो रही है। तो और क्या क्या नाम है, इन्हीं के इन सिद्धांत को कहा जाता है नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, यानी नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत इनके सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। इसी के एक और नाम है पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत या आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत। एक ही बात है, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत या आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत, ठीक है, यानी जो आवश्यकता होती है वो एक क्रम से चलती है, ये इनके सिद्धांत है। इसी का तीसरा नाम है मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत क्यों कहा गया है, क्योंकि जो हमारे अब्राहम मैस्लो जी हुए हैं, ये मानवतावादी हुए हैं, ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत कहा गया है। और इस सिद्धांत में मानव जीवन के मूल मंत्र की बात लगभग की गई है, इसलिए इस सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत भी कहा गया है। इसी सिद्धांत को कहते हैं हम लोग मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत का मतलब हमारे जीवन की जो मांगे हैं, जो पूर्तिज हैं, जो आपूर्ति हैं, उनकी बात होती है इस सिद्धांत में, इसलिए इस सिद्धांत का एक नाम और दे दिया गया है मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, ठीक है। और इसी सिद्धांत को हम लोग और नाम एक दिया गया है स्वयथार्थीकरण या आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत। स्वयथार्थीकरण या आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत का मतलब होता है कि सर्वोच्च शिखर की प्राप्ति या आत्मबोध की प्राप्ति या स्वयं को जानने की प्राप्ति या सब कुछ पा लेने की प्राप्ति, तो वो हो जाता है आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत। तो ये इनका जो सिद्धांत था, आपके अब्राहम मैस्लो जी के आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत था, उसको इन निम्न नामों से जाना जाता है, लेकिन सबसे फेमस जो सबसे मेन नाम है वो यही है कि अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रम का सिद्धांत या मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत, ठीक है। अब्राहम मैस्लो जी का जो जन्म हुआ था आपका 1908 में हुआ था और 1970 में इनकी डेथ हो गई थी। ये मानववादी मनोवैज्ञानिक हैं, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं। इनको मानववादी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जो मानवतावादी मनोविज्ञान है उसके जनक भी माने जाते हैं अब्राहम मैस्लो। इनकी एक फेमस पुस्तक आई है और पुस्तक बहुत फेमस हुई है, उस पुस्तक का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी अवप्रेरणा और व्यक्तित्व इनकी इस किताब का नाम है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ मेन बातें। अब आइए चलते हैं इनके उस क्या कहते हैं आपके सिद्धांत की तरफ, जो इन्होंने जिस स्टेजों में बांटा है और किस स्टेज में क्या क्या बताया गया है। तो देखते हैं, ये एक हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में 5 स्टेजें दिखाई गई हैं जो कि अब्राहम मैस्लो जी ने बताई हैं, और किस स्टेज में क्या क्या आता है, क्या हमारे लिए ज़रूरी हैं, कितनी ज़रूरी हैं, इन सब चीज़ों की बात अब्राहम मैस्लो जी ने की है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है या जो हमारा ये आवश्यकता का जो इन्होंने बनाया है, एक जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है, ये ऊपर की तरफ जाता है।
तो सबसे पहले जो हमारे शरीर की जरूरत होती है या किसी भी मनुष्य या मानव की जरूरत होती है तो उसकी शारीरिक जरूरतें होती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं या शारीरिक जरूरतें या फिर आप कह सकते हैं जैविक जरूरतें, तो उसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं आइए। तो सबसे पहले जो जैविक जरूरतें हैं हमारे शरीर की या शारीरिक जरूरतें हैं, फिजियोलॉजिकल नीड हैं या बायोलॉजिकल नीड हैं, तो वो क्या है? वो है हमारे शरीर की भोजन। भोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है? पानी, नींद, हवा, पोषण और काम, मलमूत्र त्याग इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर की जैविक चीज़ें हैं। शॉर्ट में कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारे शरीर की जैविक ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स भी इनको बोल सकते हैं क्योंकि इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये बताई है मैस्लो जी ने निम्न स्तरीय आवश्यकता। तो सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता में क्या है? बेसिक नीड्स हैं, भोजन, पानी, नींद, हवा, पोषण, काम, मलमूत्र त्याग इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं हमारी बेसिक नीड्स में। अब जब इन चीज़ों की पूर्ति हो जाती है, मैस्लो जी ने बताया है, जब ये चीज़ें मनुष्य को मिलने लगती हैं, इन चीज़ों की पूर्ति होने लगती है, तो फिर जो हमारा ये क्रम है ये थोड़ा ऊपर को बढ़ता है। फिर जब शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जैविक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तो फिर ज़रूरत पड़ती है हमारे लिए अपनी सेफ्टी की या अपनी सुरक्षा की। तो सुरक्षा के लिए फिर मनुष्य क्या क्या करता है भैया? मकान बनाता है, मकान में रहेगा, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखता है, बहुत सारे जीवन बीमा कराता है, पॉलिसियाँ कराता है, FD कराता है ताकि आगे प्रॉब्लम हो तो उसके लिए उसमें काम में ले सके, संपत्ति बनाता है, संपत्ति की रक्षा करता है, नौकरी लेता है, नौकरी की रक्षा करता है, शरीर की रक्षा करता है, अपने शरीर की सुरक्षा करता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, मकान बनाता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो फिर ये सारी चीज़ें इसके बाद आ जाती हैं क्योंकि भैया ये सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की सुरक्षा आदमी को बहुत ज़रूरी है। समाज में रहेगा तो भैया अपने आप को सुरक्षित भी तो रखना पड़ेगा। तो ये हो जाती है उसकी दूसरी नीड। तो ये जो दो नीड आ जाती है नीचे वाली, ये आ जाती हैं आपकी निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में। ये निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में ये नीचे वाली दो जो लाइनें हैं, दो पॉइंट हैं, ये आ जाते हैं, शारीरिक वाले और सुरक्षा वाले, यानी कि आपकी जैविक ज़रूरतों वाले और आपकी सेफ्टी वाले या सुरक्षा वाले। अब इसके बाद जब ऊपर बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, फिर बात आ जाती है सामाजिक की। सामाजिक का मतलब हो जाता है आपके लिए क्या क्या ज़रूरत हैं, समान से क्या ज़रूरत हैं, सामाजिक से आवश्यकताएँ क्या हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आ जाता है प्यार। हर आदमी जब सामाजिक हो जाता है, समान से उसको क्या क्या चाहिए, तो समान से व्यक्ति को चाहिए प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, परिवार, सखा, दोस्ती, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों की इसमें ज़रूरत होती है सामाजिक में। सामाजिक में क्यों ज़रूरत होती है? क्यों? क्योंकि इस उम्र में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सोशल नीड्स की। सोशल नीड्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भैया हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा अवसाद में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को संतुष्ट कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता है, अपनी जो उसकी नीड्स हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो संतुष्ट कर सकता है। इसलिए इस उम्र में, सॉरी इस स्टेज में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या बताया मैंने? प्यार, परिवार, दोस्त, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, ठीक है, फैमिली, इन सारी चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब जब ये नीचे वाली तीन चीज़ें मिल गईं, यहाँ तक का चल गया कार्यक्रम उनका, फिर इसके बाद लड़ाई शुरू होती है मान और सम्मान की। मान और सम्मान की कह सकते हैं कुर्सी की लड़ाई, मान और सम्मान की लड़ाई वो इसमें आ जाती है चौथी स्टेज में। यानी इसमें व्यक्ति को ज़रूरत पड़ जाती है, सम्मान की ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति दूसरों से सम्मान चाहता है कि दूसरे व्यक्ति मेरा सम्मान करें, दूसरों के द्वारा उसका सम्मान हो, वो दूसरों का सम्मान करे, और इसमें आत्मविश्वास हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, आदर की भावना आती है, उपलब्धि की भावना आ जाती है कि मेरे को सब चीज़ चाहिए, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। इसको भी बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में स्टीम नीड। स्टीम नीड देख लीजिए, इस तरह से बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टीम नीड्स, ठीक है। यानी कि सम्मान या मान की आवश्यकता इस उम्र में हो जाती है। इस उम्र में व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसकी सम्मान करें और जो उसको बहुत ज़्यादा महत्व दें। इसमें व्यक्ति सम्मान की अपेक्षा करने लगता है मुख्य रूप से। सपोज दैट
एग्जांपल देता हूँ, अदर वे मत लेना। मान लिया कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, उन दोनों में क्या हो गया, लव हो गया। अब लव हो गया, अब लव होने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो यार हम लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है। अब उनकी शादी हो गई। अब शादी से पहले क्या था, वो जो लड़का था उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह देता था, बहुत ज़्यादा प्यार व्यार करता था, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ससुराल आ गए, माँ मिल गई, यानी सासू माँ मिल गई, सासू माँ मिल गई, रिस्पेक्ट भी चाहिए फिर उस लड़की को। अगर वो लड़की जब तुम्हारे घर आएगी उसको रिस्पेक्ट भी चाहिए, ठीक है, उसको क्या चाहिए, उसको अपने जो पहले से तुम लोग दे रहे थे मनी या गिफ्ट वो भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए और प्यार भी चाहिए। बाबू सोना भी कहना है बाद में भी, लव भी चाहिए, बाबू सोना भी सुनना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, मान या सम्मान की लड़ाई यहाँ पर शुरू हो जाती है। यहाँ तक तो आप प्यार में थे, लेकिन जब आपकी शादी हो गई तो शादी के बाद में भी लड़की को मान सम्मान और प्यार चाहिए, सासू माँ से झगड़े नहीं चाहिए, आपसे लड़ाई नहीं चाहिए, आप जो उसको कल गिफ्ट दे रहे थे वो आपको आज भी कंटिन्यू करने होंगे, उसको पैसा चाहिए तो पैसा आपको देना होगा, उसको प्यार चाहिए तो प्यार आपको देना होगा। तो ये सारी चीज़ें रिस्पेक्ट वाली चीज़ें जो हो जाती हैं, कहने का मतलब कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट वाली चीज़ें इसमें चौथी स्टेज में आ जाती हैं। अब जब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं लास्ट स्टेज में, जो आपकी फाइनल स्टेज हो जाती है, पांचवी स्टेज हो जाती है, जिसको बोलते हैं आत्मसिद्धिकरण, आत्मसिद्धिकरण या स्वयथार्थीकरण, आत्मसिद्धिकरण या स्वयथार्थीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति क्या होता है, उसको आत्मबोध हो जाता है, उसको आत्मबोध की मतलब हो जाता है, और उसकी जो नीचे वाली सारी चीज़ें हैं ये पिछली ज़रूरतें लगभग सारी पूरी हो चुकी होती हैं, सारी चीज़ें पूरी हो चुकी होती हैं। अब क्या होता है, आज के ज़माने में लगभग 90-95% लोग ये नीचे वाली चार आवश्यकताओं में ही उलझे रहते हैं और इतने उलझे रहते हैं इन चार अवस्थाओं में ही वो ख़त्म हो जाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ये जो आत्मसिद्धिकरण की बात आ जाती है तो इसमें सिर्फ दुनिया के 10% लोग ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये जो मैस्लो का सिद्धांत है इसका ये सर्वश्रेष्ठ स्तर है। तो सर्वश्रेष्ठ स्तर पर मात्र 10% लोग पहुँच पाते हैं। इसमें क्या क्या उनमें गुण पाए जाते हैं, उनमें नैतिकता आ जाती है, उनमें रचनात्मकता आ जाती है, उनके अंदर शांति आ जाती है, अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, उन्हें सारी समस्याओं का वो समाधान कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सारे एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, ईश्वरीय चिंतन वो लोग कर चुके हैं, सादगी का जीवन बिताते हैं वो लोग। इस तरह से उन लोगों में पूर्णता आ जाती है, प्रवीणता आ जाती है, अच्छाई आ जाती है, सारी विशिष्टताएँ आ जाती हैं, ठीक है, आत्मनिर्भरता आ जाती है, यानी वो लोग अपने आप में परिपूर्ण हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पर यह है कि यहाँ पर सिर्फ 10% लोग पहुँच पाते हैं, बाकी 90% लोग यहीं तक समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं कि जिन्होंने अपनी आत्मशक्तियों को पहचान लिया है और उन्होंने प्रत्येक स्थिति में खुद को ढालना सीख लिया है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि यहाँ पर कौन लोग होते हैं जिन्होंने खुद को प्रत्येक स्थिति में ढालना सीख लिया है, जिन्होंने अपनी आत्मशक्तियों को पहचान लिया है, यहाँ पर वही लोग आ जाते हैं। यानी कि जिन्होंने अपने जीवन का जो भी उद्देश्य निर्धारित किया था उसको इन्होंने पूर्ण कर लिया है और स्वयं से निर्णय लेना सीख लिया है, यानी उन्होंने अपना आत्मसिद्धिकरण कर लिया है, कहीं ना कहीं पे वो वाली बात आ जाती है। तो ये सिद्धांत हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है कहीं ना कहीं पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो पहली चीज़ होती है हमारी शारीरिक, यानी कि जो हमारी शारीरिक ज़रूरतें हैं, हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, शारीरिक कल्याण है, वो बात आ जाती है। दूसरी स्टेज में हमारी सुरक्षा की बात आ जाती है, कहना भैया हमारे लिए जब सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो कहीं ना कहीं पर हमारे लिए सेफ्टी भी ज़रूरी है, दूसरी स्टेज में हमारी सुरक्षा आ जाती है। और जब तीसरी स्टेज आ जाती है तो इसमें आ जाती है प्रेम और बोधता की बात आती है, यानी समान से हमें क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, बोधता चाहिए, क्या चाहिए, सामाजिक आवश्यकताएँ जो हैं वो तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं, प्रेम और सामाजिक आवश्यकताएँ वो तीसरी स्टेज में आ जाती हैं। अब जब आ जाती है चौथी स्टेज तो इसमें सम्मान या आत्मसम्मान की बात आ जाती है, और जब पांचवी स्टेज आ जाती है तो इसमें जाता है आत्मबोध या आत्मसिद्धिकरण वाली बात आ जाती है। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको मैस्लो का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो जी का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही जो सिद्धांत है साथियों इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। इसमें कुछ एक बातें और बता दूँ, जैसे मैंने बताया नीचे वाले जो दो स्टेजेस हैं ये तो आपकी इसमें आ जाती हैं निम्न स्तरीय आवश्यकता में। अब जो नीचे वाली पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि निम्न स्तरीय आवश्यकता में कौन कौन सी स्टेज आ जाती हैं, तो नीचे वाली जो दो स्टेज हैं ये तो आ जाती हैं आपकी निम्न स्तरीय आवश्यकता में, ये नीचे वाली दो स्टेज। अब जो ऊपर वाली जो तीन स्टेज हैं बची हैं ये आपके आती हैं उच्च स्तरीय आवश्यकता में। नीचे वाली जो दो स्टेज हैं ये निम्न स्तर की हैं,
ये निम्न स्तरीय आ सकता है, लेकिन ये और ये और ये, ये तीन जो ऊपर वाली स्टेजें बची, ये उच्च स्तरीय आवश्यकता में आ जाती हैं। अब सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि मैस्लो के सिद्धांत में सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता क्या है, तो उसमें ऑप्शन चार दिए होंगे, पांचों नहीं दिए होंगे, तो सबसे आवश्यक जगह शारीरिक आवश्यकता या जैविक आवश्यकता, ठीक है। और पूछ लेगा सर्वश्रेष्ठ अवस्था क्या है या सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या है, इसमें उच्च स्तरीय आवश्यकता क्या है, तो इसमें आपको आत्म सिद्धिकरण या स्वयार्थीकरण लगाना होगा, ठीक है। अब इसी में एक बात और बताई है मैस्लो जी ने, कि एक बात उन्होंने कही कि डीमोटिवेशन और बी मोटिवेशन, डीमोटिवेशन का मतलब अभाव रहता है मोटिवेशन का, और बी मोटिवेशन में वर्धन होता है, यानी कि अब वो बढ़ जाता है मोटिवेटेड, आदमी खुद से मोटिवेट हो जाता है, उसको किसी चीज़ की बाहरी दुनिया की ज़रूरत नहीं रहती है मोटिवेट होने। तो डीमोटिवेटेड जो अभाव वाली चीज़ें हैं वो इन चार स्टेज में बताई हैं मैस्लो जी ने, नीचे वाली जो चार स्टेज हैं इनको बताया है डीमोटिवेटेड, इन चारों को बताया है डीमोटिवेटेड, क्योंकि इनमें व्यक्ति को अभाव रहता है किसी न किसी चीज़ का। लेकिन जो ऊपर वाली स्टेज बताई है, इसे उसने बताई है बी मोटिवेटेड, यानी वर्धन वाली आवश्यकता, इसमें किसी चीज़ को उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा मैस्लो जी ने बताया। तो कैसा लगा साथियों आज का लेक्चर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथियों चैनल से हमारे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोगों का लगातार प्यार मिलता रहे, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो साथियों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें हमारे लिए, तो आपके कमेंट से, आपकी बातों से ही हमको लगातार मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए नए नए क्लास लाते हैं, और आपकी हम हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।